व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले नुपुर शर्मा डिस्ट्रॉयज मौलाना अली कादरी। ओ भैया, राम मंदिर के ऊपर डिबेट है, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। देखिए अदिति, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, जरा मैं अतीक उर रहमान जी का, दानिश जी का और मौलाना जी तीनों का जवाब दूंगी 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले अतीक उर रहमान जी की बात पे आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया होगा अदिति जी, तो पहले कहते हैं कि हर्षा को हिंदू मत बताओ और एक ही सांस में कह देते वेस्ट बंगाल में मुसलमान मर गया, तो दोगलापन तो यही नजर आ गया। जिम्मेदारी की बात करते हैं, मैं पूछती हूँ आपसे, जब कोई स्मगलिंग का गुनहगार हो और कोई आपसी मुठभेड़ पे मरता हो, उसको आप धार्मिक रंग दे के मॉब लिंचिंग हो गई, नॉट इन माई नेम वाला ड्रामा। ऐसे ड्रामेबाज हैं इस देश के अंदर कि एक इन भारत का मैप बनाया था अदिति, याद होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट अयूब पंडित का सरनेम पंडित था, ये चेक नहीं किया कि वो जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो मुसलमान है हिंदू, नाम ही हटा दिया क्योंकि पंडित था नाम में, चाहे धर्म से वो मुसलमान हो। तो ये तो इनका दोगलापन है। दूसरी बात, दानिश जी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज एक कानूनी लेक्चर देना चाहूंगी जो बकायदा कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका उच्च न्यायालय में दिया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आपकी दलील के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वापस ले लीजिए इसको। आर्टिकल 19(2) का दावा देते हुए ये आज दलील दी गई है कर्नाटक उच्च न्यायालय में, किसी के ऊपर नहीं बोली अदिति। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सेंस की बात करती हूँ, मैं नॉनसेंस बात नहीं करती। यही नहीं, अभी और सुनिए अदिति, अभी यहाँ पे बैठ के मुझे लेक्चर कर रहे थे, सम्मान से बात कीजिए। मैंने तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, मैं करती अदिति आप ही रोक देती मुझे। तब ये कहाँ गए थे जब मौलाना अदिति आपको आपके सेहत की ख्याल रखने के लिए आपको फालतू के अंदर जोर जबरदस्ती आपको एडवाइस दे रहे थे, तब कहाँ गए थे जब मौलाना जी आपसे अभी कुछ चंद सेकंड पहले आपको आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, तब महिला से सम्मानजनक बात करनी है, तब इनका एक होश आवाज कहाँ गए थे? ये दोगलापन मैंने इनका एक्सपोज जो किया है कि हर्षा को हिंदू मत बोलो, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान मरा है, जो मैंने इनको कानून समझा दिया और एक महिला ने कैसे समझा दिया, ये वही तो वर्ग है जो कह रहा था इंस्टेंट 3 तलाक रहने दो नहीं तो शौहर महिला को जानवरों की तरह जिंदा जला देगा। ये बात करेंगे सम्मानता की और किसी महिला को सम्मान देने की? चुपचाप बैठ के सुनो, केरला उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय ये मान चुके हैं कि आपका हिजाब पहना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। और जिस जजमेंट की बात अदिति कर रही थी केरला उच्च न्यायालय की, उसकी बात मैं बताती हूँ आपको। 2 याचिकाकर्ता पहुंची थी उच्च न्यायालय में कहने के लिए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनेंगी। उच्च न्यायालय ने क्या कहा, तुम स्कूल को नहीं बताओगी। केरला उच्च न्यायालय ने कहा तुम स्कूल को नहीं बताओगी कि तुम क्या पहन के स्कूल में जाओगी। अगर नहीं पता है तो पढ़ के आया कीजिए, और अगर आपकी ठेस पहुंच गई ईगो को, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पढ़ाती रहूंगी हर रोज डिबेट के अंदर। और मौलाना जी आपसे मैं क्या कहूं, महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं, सेहत का ख्याल रखने की बात करते हैं, साथ में यह कह देते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे हिजाब पहन के लड़कियां जा सकती है, आम जन स्कूल में तो आने वाले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ आप जैसे लोगों की टिप्पणियां सुन सुन के, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि सारी बहनें मदरसे में पढ़े, सारी बहनें घर से ना निकले। आप तो उसी वर्ग से आ रहे हैं जो चाहते हैं कि 3 तलाक रहे नहीं तो शौहर अपनी बीवी को जला देगा। आप तो उसी वर्ग से आते हैं ना, तभी तो जोर जबरदस्ती से बिना किसी इनविटेशन के आप अदिति को आप एडवाइस देने चले थे। हम अपना ख्याल रख लेंगे, आप अपनी दुकानों का ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है अगर कर्नाटका उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में पढ़ रही हूँ जिसने ये कहा कि अभी जो यूनिफॉर्म है वही जारी रहेगी, मेरे को अपने भारत के संविधान में पूर्ण यकीन है, धर्म से स्कूल नहीं चलते हैं यहाँ पे स्कूल चलते हैं सम्मानता के प्रिंसिपल पे, कि मेरी धार्मिक आइडेंटिटी से ऊपर मेरी शिक्षा है और भारत का संविधान है। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। मौलाना साहब गुस्सा हो गए, लग रहा है बहुत गुस्सा हो गए मौलाना साहब, उन्हें समझाने की कोशिश की है मौलाना साहब गुस्सा हो गए, एंग्री मोड है, एंग्री मोड। ताल ठोक के आपके शो पे कह रही हूँ, तमाम सर्वे बाहर निकले हैं, इनको भी बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनेगी, लेकिन अगर ये दिन दहाड़े आंखों पे पट्टी पहन के टीवी पे डिबेट करने आ गए हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं है। मतलब राजनीति बीजेपी कर रही है, वो बच्चियां नहीं कर रही है जो वर्षों तक इस रूल के साथ अपने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही थी कि वो कैंपस के अंदर तो हिजाब पहन सकती है, लेकिन क्लासरूम के अंदर और लेक्चर के दौरान हिजाब अलाउड नहीं है।
भैया कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट नामक चीज है, सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पोशाक होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए बच्चों और बच्चों के बीच के अंदर समानता के लिए, आर्टिकल 14 के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ इसमें राजनीति इनको दिन दहाड़े में पट्टी आंख पे बांध के नहीं नजर आई कि जो 30वें वर्ष तक जो रूल फॉलो कर रही थी अचानक दिसंबर 2021 में उनकी आंखें कैसे खुल गई कि भैया हम तो हिजाब पहन के क्लास में भी बैठेंगे, लेक्चर के दौरान भी हिजाब पहन के बैठेंगे, और हिजाब तो छोड़िए अदिति ये बहस हम पहले कर चुके हैं, बुरखा भी पहन के आएंगे तो ठीक है, कल से एक वर्ग आ जाएगा कि मैं तो धोती लुंगी भी पहनूंगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा कि मैं तो अन्य कपड़े और अन्य पोशाक पहन के आऊंगा, भाड़ में जाए यूनिफॉर्म, भाड़ में जाए स्कूल का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन, ये तरीका नहीं है। और मैं साफ बता दूं अदिति, दोहरा रही हूं मैं ये बात, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, मेरी भी मुसलमान बहनें सहेलियां थी स्कूल के अंदर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मेरी किसी मित्र ने, किसी सहेली ने कभी जिंदगी में हिजाब पहना हो स्कूल के अंदर। ये नया ड्रामा शुरू हुआ है दिसंबर 2021 में, इससे पहले करीबन 35 वर्ष की उम्र चल रहा था, तब कहां थी ये बहनें अपने हिजाब का प्रदर्शन लेके। और इसमें PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इन जनाब को इसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है। और मैं कहूंगी किस तरीके से कांग्रेस के वकील कर्नाटका उच्च न्यायालय में और कांग्रेस के नेता पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करते हैं, इसमें इनको राजनीति नजर नहीं आती है, कांग्रेस की तो राजनीति नजर नहीं आती है। वैसे भी मौजूद तो है नहीं कांग्रेस का, राजनीतिक दल तो कहलाया नहीं जा सकता आज की तारीख में, तुष्टिकरण वाला दल है, बंटवारे वाला दल है। अरे भाई स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है? बढ़िया थी वाली। घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ अर्थ में, ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है। ओके। तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना गलत फहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी पुरुष पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे भैया। म्यूजिक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, लिख के देता है दोनों की। मुझे लग रहा है कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट हो रही है ना वो लीक हो रही है कहीं। हाँ। या फिर वो कोई वो उसमें वो कर रहा है, ये कोई खेला कर रहा है, कोई खेला कर बदल देता है स्क्रिप्ट, पोस्ट पोस्ट हो जाती है। बाकी जब हम पढ़ते थे यार हमारी क्लास में बच्चे पढ़ते थे, जो क्लासमेट्स थे जो मुस्लिम भी थे हिंदू थे, प्राइवेट स्कूल का भी 10th तक में प्राइवेट में थे, उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में कहा था ना कि उसमें कंपलसरी नहीं है वो कभी भी, मतलब वो पार्ट ऑफ उस तरीके से नहीं। बाकी भैया इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी जरूर बताना। बाकी इंटरव्यू जितने भी देखे नुपुर शर्मा के, वो बहुत एजुकेशन वाइज भी वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और बात भी बहुत तर्क वितर्क देके हर तरीके से करती है। और डिबेट में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आ तो जाते हैं लोग डिबेट करने के, लेकिन उनका फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं, बोले क्या। लेकिन बढ़िया डिबेट, बाकी आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।